दोस्तों आज अपन क्या करेंगे, इसका जो नींबू है सिट्रस प्लांट, इसके बारे में अपन जो एयर लेयरिंग या हवाई दाब या उसको बोलते हैं अपन गुठी दाब, और ये सबसे ज़्यादा नींबू वर्गीय प्लांट में, यानी एक ही प्लांट से अपन इसमें यानी 100 से 50 पौधे तैयार कर सकते हैं, यानी मल्टीप्लिकेशन। और ये जो मेथड होता है ये वानस्पतिक प्रवर्धन या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो इसमें अपन मेनली इसका ये ध्यान रखना चाहिए, अगर अपन कटिंग तैयार कर रहे हैं ना नींबू की, तो उसमें मेनली अपन कौन सा सीज़न में, यानी सबसे बेस्ट सीज़न होता है इसका बरसात के समय, जुलाई अगस्त का महीना, क्योंकि उसमें वातावरण में सबसे नमी या मॉइस्चर बनी रहती है। तो इसमें अपन क्या करेंगे, पहले जैसे ये नींबू का प्लांट है तो इसमें अपन सबसे पहले जो ब्रांचेज जो शाखा होती है वह 1 साल पुरानी होनी चाहिए। तो ये 1 साल पुरानी जो शाखा है इस पर अपन अब कट लगाएंगे इसके टेयर की सहायता से। तो ये जैसे ये छाल बार्क उतार रहे हैं अपन इसमें, और बार्क कैसे उतारेंगे कि इसमें जो कैम्बियम यदा इसमें कैम्बियम में इसको नुकसान नहीं होना चाहिए, छाल उतार के यानी इसको नुकसान नहीं होना चाहिए इसको बार्क या छाल को। तो इसमें ये कट लगा रहे हैं अपन, अभी छाल उतार रहे अपन बार्क, ये देखो इसमें बार्क उठा रहे हैं। ये जो वाइट पोर्शन है ये कैम्बियम है, बस इस कैम्बियम को नुकसान नहीं होना चाहिए अगर अपन कट लगा रहे हैं एयर लेयरिंग करते समय। अब ये अपन इसको बार को उतार लिया आसानी से, बस इसमें यही जो इसका वाइट है, इसको ये वाइट पोर्शन कैम्बियम इसको बोलते हैं अपन इंग्लिश में, कैम्बियम यदा, यानी इसको नुकसान नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इसके उतारने के बाद में अपन क्या करेंगे, इसमें जैसे ये पूरा अपने को उतार लिया, इसमें छाल ये 1 साल पुरानी शाखा है, जैसे इसमें पौधा प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस के समय जब भोजन बनाएगा तो ये भोजन यहीं पे इकट्ठा हो जाएगा। अगर अब इसको जब अपन ये मोस घास लगाएंगे, इसमें क्या करेंगे, मोस घास लगाने के बाद में मोस घास लगाएंगे इसमें, और ये मोस घास होता है इसका जो पीएच मान होता है 3.5 से 4.5। अब इसके चारों तरफ पे अपन क्या लगाएंगे, मोस घास। अब ये मोस घास लगाने के बाद में अपन पॉलीथीन की सहायता से इसको बांध देंगे अपन, यानी पॉलीथीन की सहायता से इसको बांध देंगे ये पॉलीथीन, और पॉलीथीन लपेटने के बाद में दोनों साइड से धागे की सहायता से अपन इसको अच्छे से बांध देंगे। ये धागे की सहायता से अपने इसको अच्छे से पूरा बांध दिया इसमें। अब ये बांधने के बाद में इसमें क्या होगा अपन देखेंगे 35 से 40 दिन बाद में। अब ये इसको अच्छे से अपन उसको बांध दिया इसमें, जहाँ अपन ने कट लगाया है ये मोस घास है, और इसको बांधने के बाद में क्या होगा, जैसे 35 से 40 दिन बाद में यहाँ से अपन देखेंगे इसमें जो मोस घास है इसमें यहाँ से रूटिंग होगी। तो यहाँ से रूटिंग होने के बाद में इसको अपन यहाँ से इस ब्रांचेज शाखा को यहाँ से अपन कट करेंगे, कट करने के बाद में उसमें जो अपन पॉलीथीन में अपन जो तैयार कर रखे उसमें अपन इस कट को लगा के इसको पौधे को वो प्लांट अपन तैयार कर लेंगे। और इसको कई बार होता है कि ये जो डार्क पोर्शन होता है इसको बोलते हैं अपन इट्यूलेशन, क्या बोलते हैं इसको, इट्यूलेशन। और कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एयर लेयरिंग या हवाई दाब या गुठी दाब कौन से प्लांट में, और सबसे ज़्यादा यहाँ जो भोजन इकट्ठा होता है वो कौन सा है, कार्बोहाइड्रेट। तो आज इसके अपन बारे में पढ़िए, एयर लेयरिंग के बारे में, बिल्कुल इजी मेथड है,
तो इसमें कोई भी किसान भाई इसको अपन अपना सकते हैं, इसको अपन कर सकते हैं घर पे आसानी से। ओके।